Hello everyone, in this video lecture, we are going to discuss about the basic idea of order of chemical reaction, molecularity and the classification of chemical reaction on the basis of chemical kinetics. So let's discuss about our first topic, that is order of chemical reaction. If we consider a chemical reaction, that is A plus B gives C plus D, इस reaction के लिए हम जो rate law है वो कुछ इस तरीके से express कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास concentration A है, concentration B है with some exponents. So यहाँ पे जो x है वो a के रिगार्डिंग हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट है, और जो b है, जो y है वो b के लिए एक्सपोनेंट है. तो अगर हम इस रेट लॉ को कंसीडर करें तो इस रेट लॉ की हेल्प से हम ऑर्डर जो है केमिकल रिएक्शन का उसको डिफाइन कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन. सो जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन रेट लॉ के लिए एक्सप्रेशन है हमारे पास, अगर इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन को कंसीडर करें तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं रिएक्टेंट्स के रिगार्डिंग, दैट मीन्स ए के रिगार्डिंग एक्स और बी के रिगार्डिंग जो वाई है, इन एक्सपोनेंट्स का जो सम है, जो एडिशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हमको ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए नेसेसरी है कि हमारे पास रेट लॉ होना चाहिए. अगर रेट लॉ है हमारे पास उस रिएक्शन के लिए, तो उनमें जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं उनका जो सम होगा वही क्या होगी, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो बेसिकली अगर हम ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि किस तरीके से जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. डेट मीन्स हम कितना इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंक्रीमेंट आएगा, इस बारे में हमको ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. सो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 इंटीजर्स हो सकते हैं, और एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हमारे पास हो सकती है. तो हो सकता है कि हमारे पास जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हो, डेट मीन जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना हो, कॉन्स्टेंट रेट हमारे पास हो किसी रिएक्शन के लिए. तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो जीरो है, तो वो डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन पे जो रिएक्टेंट का है, उस पर रेट का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, रेट हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ फर्दर प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहेंगे. सो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम और ज़्यादा डिफाइन करना चाहें, या हम ये कहें कि इसके जो और एस्पेक्ट्स हैं उनको डिफाइन करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास नेसेसरी है कि हम जो क्लासिफिकेशन है केमिकल रिएक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स उस पर थोड़ा सा स्टडी करें, तभी हम इसके जो फर्दर एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर पाएंगे. सो हेयर वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन. सो अगर हमारे पास जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में प्रोसीड होती है, हम कहें कि जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सीधे प्रोडक्ट में, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, 2HI गिव्स H2 प्लस I2. तो अगर हम HI का डिकम्पोजिशन को सपोज करें तो वो आयोडीन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका दैट मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड का डायरेक्टली कन्वर्ट होना I2 में और H2 में एक एग्जाम्पल है एलिमेंट्री रिएक्शन का. सो एलिमेंट्री रिएक्शन को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें क्या पॉइंट्स होते हैं. तो अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस गिव अस द प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. सो रिएक्टेंट को अगर आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके काफ़ी सारे हमारे पास वेज हो सकते हैं. हो सकता है कि जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बीच में कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल देखें तो कन्वर्जन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड टू टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड. तो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड को जब हम कन्वर्ट करते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड में, सो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दैट मीन्स हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड में. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड कन्वर्ट होता है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में और आयोडीन आयोडाइड आयन में. तो अगर हम इस स्टेप की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है जो हमको ये प्रोवाइड करा रही है कि जो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड है वो आयंस में डिसोशिएट हो रहा है. कि अगर हम इस रिएक्शन पे स्टडी करें तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस रिएक्शन में
हमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन स्पीशीज का ऑब्जर्वेशन होगा। देन सेकंड स्टेप में जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा और टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करेगा। तो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड से टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट होने के बीच में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आयोडाइड आयन भी फॉर्म होता है और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन भी फॉर्म होता है। तो सिंगल स्टेप में हमारे पास ये डायरेक्टली इसमें फॉर्म नहीं हुआ है। वहीं अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो एच आई डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा था इसमें एच टू और आई टू में। सो इसके बीच में हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएट्स नहीं थे। तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। और जब हमारे पास प्रोडक्ट सिंगल स्टेप में फॉर्म नहीं होके वो फर्दर इंटरमीडिएट्स फॉर्म करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म करे तो ऐसी कंडीशन में हम रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इन रिएक्शंस के लिए अगर हम ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ज़्यादा तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो सिंपल है चूंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो इसी रिएक्शन के लिए जो हम रेट लॉ लिखेंगे वही हमारे पास क्या है उसका उसी से हम क्या कर लेंगे उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। तो इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है। दैट मींस जो कन्वर्जन है टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में वो एक स्लो स्टेप है। और जब हमने कंबाइन किया टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन को हाइड्रोक्साइड आयन के साथ वो फास्ट स्टेप है। सो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास बहुत फास्ट रिएक्शन है तो उनके लिए हम रेट लॉ की बात नहीं करते हैं। दैट मींस उसके लिए रेट को डिफाइन करना कोई सेंस नहीं है। जो एक हमारे पास मॉडरेटेड स्पीड्स के साथ जो स्टेप या जो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं उन्हीं के लिए हम रेट लॉ की या रेट केमिकल रिएक्शन की रेट की बात करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट इन दो स्टेप पे भी हम इम्प्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये स्लो स्टेप है इसके लिए तो रेट की बात हो सकती है, बट ये जो फास्ट स्टेप है इसके लिए रेट की बात करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सो अगर हम इस स्टेप की रेट को डिफाइन कर दें जो स्लो है तो वही हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन के लिए भी रेट है। सो इस रिएक्शन के लिए जब हम रेट लॉ को डिफाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से रेट जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट है रेट कांस्टेंट और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का विद एक्सपोनेंट 1। सो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे पास एक्सपोनेंट है कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग वो 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 1 हो जाएगी। सो बेसिकली ये जो रेट लॉ है वो इस स्टेप के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए जो ऑर्डर है वो भी फर्स्ट स्टेप के लिए है बेसिकली। बट चूंकि सेकंड स्टेप हम कह रहे हैं बहुत फास्ट है और उसके लिए रेट की बात करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है तो यही जो डेटा है जो फर्स्ट स्टेप के लिए इसी को हम ओवरऑल रिएक्शन के लिए भी कह सकते हैं कि यही हमारे पास रेट लॉ ओवरऑल रिएक्शन के लिए यूज करेंगे। और जो ऑर्डर हमारे पास आया है फर्स्ट स्टेप के लिए वही ऑर्डर हमारे पास क्या है ओवरऑल रिएक्शन के लिए। तो बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड करेगी हमारे पास इस पे टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड के कंसंट्रेशन पे। इसकी डिपेंडेंस इसके आयन ये जो हमारे पास OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है इसके कंसंट्रेशन पे रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं है। वो प्योरली जो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड है इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। ठीक इसी तरीके से जब हम केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे तो हमको ये देखना पड़ता है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ सिंपल है वहीं से हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि उसमें स्लो स्टेप कौन सा है। स्लो स्टेप के लिए हम रेट लॉ को डिफाइन करेंगे और उसी रेट लॉ से हम क्या करेंगे ऑर्डर को भी फाइंड आउट करेंगे। Now, let's discuss about our next topic, that is molecularity of the reaction. So, according to the definition, the number of reacting species taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of the reaction. According to the definition, reactant के जितने molecules simultaneously में collision perform करते हैं product को form करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं molecularity. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल मॉलिक्यूल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट में तो हम उसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। अगर दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के साइमल्टेनियस वे में कोलिजन करते हैं और प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं तो हम उसको बायमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे पास तीन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के साइमल्टेनियस वे में कोलिजन करते हैं और प्रोडक्ट को फॉर्म करें तो हम उसको ट्राईमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हियर वी हैव अ डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बायमोलिकुलर एंड ट्राईमोलिकुलर। अमोनियम नाइट्राइड सेल्फ रिएजेंट जो कि नाइट्रोजन गैस फॉर्म करता है और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ठीक इसी तरीके से बायमोलिकुलर के लिए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड दो मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियस वे में कोलिजन परफॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को फॉर्म करते हैं। ठीक इसी तरीके से ट्राईमोलिक्यूल में नाइट्रिक ऑक्साइड और
ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस वे में कोलिजन परफॉर्म करते हैं और टू मॉलिक्यूल हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म करते हैं। सो बेसिकली यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के साइमल्टेनियस वे में कोलिजन को परफॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग वो ये है कि हमारे पास कभी भी जो मॉलिकुलरिटी है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, कभी भी 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस वे में कोलिजन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगल मॉलिक्यूल सेल्फ रीअरेंज होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, टू मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस वे में कोलिजन कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल जो कि काफ़ी रेयर है 3 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस वे में कोलिजन परफॉर्म कर सकते हैं, बट 4 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस वे में कोलिजन फॉर्म नहीं कर सकते हैं, उससे हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नाउ वी कैन डिस्कस सम डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। हियर वी हैव अ टेबल विच कंटेन सम डिफरेंट पॉइंट रिगार्डिंग ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली molecularity is the number of atoms, ions or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction. On the other hand, order is the sum of the power of concentration terms on which the rate of reaction actually depends, or it is the sum of power of the concentration term in the rate law equation. Molecularity of the reaction cannot be zero, order of reaction can be zero. Molecularity is a theoretical concept. On the other hand, order is determined experimentally, as we discussed in our last lecture. Molecularity is always a whole number, while order can even have fractional value. The last point regarding molecularity is the overall molecularity of complex reaction has no significance. Individual step has its own molecularity. On the other hand, order of reaction is for overall reaction. जो लास्ट पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे पास स्टेप्स होते हैं और जो फास्ट स्टेप होता है उसके लिए रेट लॉ को एक्सप्रेस करना के पीछे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो बहुत फास्ट है, उसके लिए रेट को डिफाइन करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सो हम सिर्फ क्या करते हैं, जो स्लो स्टेप है उसी के लिए ही रेट लॉ को एक्सप्रेस करते हैं और वहीं से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड आउट करते हैं। बट अगर हम मॉलिकुलरिटी की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल स्टेप की मॉलिकुलरिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप है वो यूनिमोलिकुलर स्टेप है, वहीं जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास बाइमोलिकुलर स्टेप है। तो हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में जो मॉलिकुलरिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो हम ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के रिगार्डिंग। तो जब भी कभी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी को मेंशन करते हैं तो वो बेसिकली स्लो स्टेप के लिए होता है, वो ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं होता है। बट अगर हम रेट लॉ की बात करें या ऑर्डर की बात करें तो वो ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम कह सकते हैं, बट मॉलिकुलरिटी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मॉलिकुलरिटी हर एक सिंगल स्टेप के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में, जिसको आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। अवर लास्ट कॉन्सेप्ट इज रेट कॉन्स्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रेट कॉन्स्टेंट के इज डिफाइन एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। सो जैसे हम रेट एक्सप्रेशन को मेंशन करते हैं, वहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको वन कर दें यानी कि यूनिटी कंसिडर करें, तो ऐसी कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, जो रेट कॉन्स्टेंट है। सो इसी तरीके से हम इसको डिफाइन भी करते हैं। सो अगर हम रेट लॉ की बात करें तो इस तरीके से हम रेट लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे पास रेट इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद एक्सपोनेंट एन। तो अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी है तो देन हम ये कह सकते हैं रेट जो है वो रेट कॉन्स्टेंट के इक्विवेलेंट है। अब अगर हम रेट कॉन्स्टेंट के लिए यूनिट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के रिगार्डिंग जो हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट है वो डिफरेंट है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो जो यूनिट है वो कुछ अलग होगी, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कॉन्स्टेंट की जो यूनिट है वो डिफरेंट होगी, ठीक इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग। तो जो अलग अलग हमारे पास ऑर्डर है उनके लिए यूनिट अलग अलग होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि रेट कॉन्स्टेंट की जो यूनिट है वो डिपेंड करती है हमारे पास ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। तो जैसा कि हम रेट लॉ को एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से, इसको यहाँ से हम रेट कॉन्स्टेंट के बेसिस पे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रेट के लिए कंसंट्रेशन बाय टाइम और कंसंट्रेशन के लिए सिंपली जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं इनका सम हम एन कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो जो ये टर्म है हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यहाँ पे पावर जीरो हो जाएगी तो ये हमारे लिए इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम ये कह सकते हैं जो रेट कॉन्स्टेंट के लिए यूनिट है वो रेट
यूनिट के ही इक्विवेलेंट है। सो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो यूनिट है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ठीक इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट को कंसीडर करें तो हम एन की वैल्यू को चेंज करेंगे, एन की वैल्यू को अगर हम वन कंसीडर करेंगे तो हमारे पास वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो हमारे पास यूनिट आएगी वो सेकंड इनवर्स है। ठीक इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू टू कंसीडर करनी पड़ेगी, और इस कंडीशन में जो यूनिट है रेट कांस्टेंट के लिए वो है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए हम जो यूनिट है रेट कांस्टेंट के लिए उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको एन के प्लेस पे ऑर्डर को लिखना पड़ेगा और इस तरीके से हम जो रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।